वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन 3 मिनट्स। आज हम आपको ले चलेंगे सिन सिटी। जी हाँ, इस वीडियो में आप जानेंगे लास वेगास में बेपरवाह घूमने के कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स और एक्सपर्ट डिटेल्स। इंडिया से लास वेगास तक का फ्लाइंग टाइम 24 से 26 घंटे का है। लास वेगास का समय इंडिया से 13 घंटा 30 मिनट पीछे है। लास वेगास जाने के लिए इंडियन टूरिस्ट को यूएस कॉन्सुलेट से प्रायर वीजा लेना जरूरी है, जिसे प्रोसेस होने में 3 से 7 दिन का समय लगता है। इस प्रक्रिया में एक पर्सनल इंटरव्यू भी शामिल है। लास वेगास का वेदर समर मंथ्स में काफी अनबेरेबल हो सकता है, इसलिए मोस्टली टूरिस्ट स्प्रिंग सीजन जो कि मार्च से मई है और फॉल सीजन सितंबर से नवंबर प्रेफर करते हैं। चलिए आपको बताते हैं लास वेगास में काम आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स। कैसीनो में गैम्बलिंग करने पर सर्वर्स द्वारा फ्री ड्रिंक्स ऑफर की जाती हैं। ड्रिंक्स के लिए पे करना जरूरी नहीं है, सर्वर्स को टिप जरूर करें। क्राउड्स और होटल्स में हाई चार्जेस से बचने के लिए वीकडेज के दौरान अपनी लास वेगास ट्रिप प्लान करें। लास वेगास ट्रिप वॉक करके एक्सपीरियंस करना हम आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन यह एक 4 माइल लंबी वॉक हो सकती है, तो आप अपने वॉकिंग शूज बिल्कुल ना भूलें। हालांकि लास वेगास ट्रिप पर ही होटल बुक करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन बुकिंग्स 1 महीना एडवांस में करना न भूलें। लास वेगास में यह सारे अट्रैक्शंस आपको एक्सपीरियंस करने चाहिए। द लास वेगास ट्रिप, जहां अनगिनत होटल्स में लाइव परफॉर्मेंसेस और गैम्बलिंग का मजा आप ले सकते हैं। हाई रोलर, जो कि लास वेगास की फेमस फेरीज व्हील है। लास वेगास में एक लाइव थिएटर शो जरूर देखें, जैसे सर्क ड्यू सोले, द ब्लू मैन ग्रुप, डेविड कॉपरफील्ड इत्यादि। इसके बाद हैं नियॉन म्यूजियम, फ्रीमोंट स्ट्रीट और द मॉब म्यूजियम। अगर आप लास वेगास से नियर बाय अट्रैक्शंस जाना चाहते हैं, तो यह सारे ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं। द ग्रैंड कैनियंस की वेस्ट या साउथ रिम, द हूवर डैम और स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए मशहूर है माउंट चार्ल्सटन। लास वेगास में यह सारी चीजें आप सोवेनियर्स के तौर पर ला सकते हैं। वेगास थीम्ड पोकर सेट, निवाडा वोडका, मैजिक ट्रिक मर्चेंडाइज, वेगास थीम्ड टी-शर्ट्स। लास वेगास के कुछ फेमस शॉपिंग स्टॉप्स हैं लास वेगास प्रीमियम आउटलेट नॉर्थ, फैशन शो मॉल और द फोरम शॉप एट सीजर पैलेस होटल। चलिए अब आपको बताते हैं लास वेगास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। रिसर्च बताती है कि तकरीबन 15% लोग लास वेगास गैम्बलिंग के मकसद से आते हैं, लेकिन अंत में 71% लोग गैम्बलिंग में अपना हाथ आजमा ही लेते हैं। लास वेगास की एक ब्लैक बुक है, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें सिटी के किसी भी कैसीनो में आने की अनुमति नहीं है। कहते हैं कि फेडेक्स कंपनी के सीईओ ने अपनी कर्ज में डूबी कंपनी को लास वेगास में गैम्बलिंग करके बचाया था। वे अपने आखिरी $5,000 से गैम्बल करके $24,000 जीते थे और अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त कर दिया था। अकेले लास वेगास में श्रिम्प का टोटल सेवन पूरे अमेरिका के श्रिम्प के कंजम्पशन से ज्यादा है। इस फैक्ट शीट को आप जरूर पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव करना न भूलें। इसमें आप पाएंगे लास वेगास में काम आने वाली कुछ ट्रैवलिंग टिप्स, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स और बहुत कुछ। अगर इस वीडियो ने आपको लास वेगास जाने के लिए इंस्पायर किया है, तो बुकिंग्स की जानकारी के लिए फेसबुक पर एक मैसेज ड्रॉप करें, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। नेटसार की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखने के लिए आप स्क्रीन पर ही दिख रही लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेटसार की ओर से थैंक यू।